Yes friends, good morning, welcome back in Rattu Tota. Today we will discuss the very important question. I think this type of questions can come in Rtu examination, sometimes come in Rtu examination. This is an analytical question which is based on total understanding of your subject. The question is an ideal low pass filter with cutoff frequency. Cutoff frequency given is that is omega c equals to 1 radian per second. That is, we have the ideal low pass filter. Ideal means which has sharp edges, cutoff edges, that is minus 1 and plus 1. Omega c equals to 1 radian per second is given an input f of t equals to e ki power minus at ut. Isko input diya gaya hai e ki power minus at into ut. Find the energy at the response of the system. That is, this is your system. System contains the ideal low pass filter. Ideal low pass filter is ke andar hame kya nikalna hai, output y of t. इसकी एनर्जी निकालने की, जो उसका आउटपुट आएगा सिस्टम का, जो आउटपुट आएगा वो उसकी एनर्जी कितनी होगी. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. हाँ ओके, तो हाउ कैन यू फाइंड द एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल. द सिंपल द कन्वेंशनल मेथड टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ सिग्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एफ ऑफ स्क्वायर टी डी टी. ओके, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज to find out the energy of any signal. But यहाँ पे क्या है, हमें output की energy निकालनी है. Output that is system के response की energy निकालनी है. But उससे पहले हमें इसका output पता होना चाहिए कि output क्या आएगा. Output आने पता होने के बाद जो एक नया method discuss करेंगे वो है energy spectral density, ESD. Energy spectral density. Spectral density. एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी किसकी होती है, हमेशा फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाली जाती है. ESD निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला करेंगे EY इक्वल्स टू 1/2 pi एफ ऑफ ओमेगा. यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ ओमेगा डी ओमेगा लिमिट आएगी. दैट इज द लिमिट दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम और आइडियल लो पास फिल्टर. दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस 1 टू प्लस 1. सो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल. ओके, तो सिग्नल कितना गिवन है, e की पावर माइनस ए टी. ए लेट्स वी समराइज द प्रॉब्लम, ए टेकिंग ए इक्वल्स टू 1. इसे 1 ले लेंगे हम ए को सिंपलिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम करने के लिए. ए इक्वल्स टू 1. ओके, e की पावर माइनस टी यू टी, दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट यू हैव टू फाइंड आउट. सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है, सिस्टम वो क्या, आइडियल लो पास फिल्टर. दैट इज ओमेगा सी, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या, 1 रेडियन पर सेकंड. ओके, इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ स्क्वायर टी डी टी. दिस इज व्हाट द सिंपल सिग्नल, कोई भी सिग्नल की एनर्जी निकालने के लिए मेथड हम लोग यूज करते हैं. बट इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहले इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे. फ्रिक्वेंसी डोमेन का दैट मीन्स ESD ऑफ फंक्शन एफ is equals to f of omega kya hai mere paas, f of omega e ki power minus at ut. That is equals to 1/1 plus omega square. This is the frequency transformed signal. Hum logon ne kya kiya iska hum logon ne Fourier transform nikali. F of omega will be equals to 1/1 plus omega square. अब एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है 1/2 pi लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा. तो एफ ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा हम करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1/2 pi 1/1 plus omega square 1 plus omega square इंटीग्रेशन माइनस 1 टू प्लस 1 डी ऑफ ओमेगा. सो द एनर्जी ऑफ द सिग्नल विल बी, दिस इज 1/1 plus omega square tan इनवर्स 1. दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली इक्वल्स टू पाई बाई 2. दैट इज 90 degree plus 90 degree. तो पाई टू पाई कैंसिल हो गया और हमारा एनर्जी कितना आ गया, 1/4 joules. द एनर्जी ऑफ द सिग्नल दैट इज ई वाई, एनर्जी ऑफ द सिग्नल रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल बी 1/4 joule. नाउ इनपुट एनर्जी कितनी थी, e की पावर माइनस टी यू टी की एनर्जी यू कैन फाइंड आउट बाय द सिंपल मेथड 0 to infinite e माइनस टी. दैट मीन्स e की पावर माइनस टी का स्क्वायर डी टी
is equals to e की पावर माइनस टू टी जीरो टू टी अप्रोक्सीमेटली 1/2 जूल. 1/2 जूल हमारे पास इनपुट में एनर्जी थी, आउटपुट में एनर्जी कितनी मिली हमें 1/4 जूल. सो हाफ ऑफ द एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम. ओके, 1/2 जूल किसके थे, इनपुट सिग्नल की एनर्जी थी, और आउटपुट सिग्नल की एनर्जी वी ऑलरेडी फाइंड आउट 1/4 जूल. सो हाफ 1/2 जूल ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम. दैट मीन सिस्टम हैव द आइडियल लो पास फिल्टर विच हैव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ -1 to +1. ओके, दैट इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसमें गिवन है 1 रेडियन पर सेकेंड. तो एनर्जी हमारे पास जो आई है वो कितना आई है, 1/4 जूल. दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन चेक द इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी एंड फाइंड आउट द हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम बाय द सिस्टम. सो 1/4 जूल ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम एंड 1/2 जूल ऑफ एनर्जी इज इनपुट टू द सिस्टम. सो द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम इज 1/2 जूल. तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को ये बार आरटीयू एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. एक बार आप लोग और चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन गिवन है, आइडियल लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है, और सिस्टम का इनपुट दे रखा है e की पावर -80 UT. हम लोगों को एनर्जी निकालनी है, रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. रेस्पॉन्स दैट मीन्स y of t. वैसे बेसिकली होता क्या है, x of t कन्वोल्यूशन ऑफ h of t. रेस्पॉन्स जब भी हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इनपुट सिग्नल का सिस्टम के रेस्पॉन्स के सिग्नल से हम लोग उसका कन्वोल्यूशन करेंगे. बट फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम लोग कन्वोल्यूशन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे. तो कन्वोल्यूशन जो सिग्नल होगा, x of t कन्वोल्यूशन ऑफ h of t विल बी कन्वर्टेड इंटू x of ओमेगा मल्टीप्लाई h of ओमेगा. तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज़ की है पूरे ट्रांसफॉर्म की और कन्वोल्यूशन की. बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. आई थिंक यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.